एसडीएम का कहानी नहीं पता है बाबू बेचाराओं का। अब वो बेचारा पे क्या बीत रहा होगा, उसको टेंशन में उसको मन लगेगा। हाँ कभी मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा गलती करते हैं लोग ना कि बाकियों के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। अब कौन पढ़ाएगा? ये कह रहा है कि सर पढ़ाना तो छोड़िए, जो भेजा था वो वापस बुला रहा है अब। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रही जंग पूरी तरह जग जाहिर हो चुकी है। दोनों के बीच इस जंग का समाज पर भी गहरा असर पड़ रहा है। इस घटना के बाद ऐसी खबरें भी आई कि कई पतियों ने अपनी पत्नियों की पढ़ाई छुड़वा दी और स्टूडेंट्स के बीच खासे लोकप्रिय खान सर तक को इसकी मार झेलनी पड़ रही है। खान सर के यहाँ पढ़ने वाली बीपीएससी बैच की 93 एस्पिरेंट्स को उनके पति वापस लेकर चले गए। सुनिए खान सर ने क्या बताया। हमारे यहाँ से बीपीएससी बैच में लगभग 93 के आसपास के हस्बैंड आए, सब लेकर चल गए एडमिशन। 93 बीपीएससी बैच से 93 लड़कियों के हस्बैंड लेके चल गए सब। हम समझाए गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बहुत गलत है, किसी की गलती की सजा किसी को कैसे दे सकते हैं? अच्छा हम लोग कितना समझाएंगे किसी को? मैं एडमिस जबरदस्ती बेचारा से वहां पे समझा के जितना को समझा सकता था आदमी समझाया, लेकिन बेचारा सब ये कितना गलत बात है, यहाँ पे एडमिशन कटवा के लेके चल गया सब। खान सर का कहना सही है कि किसी की गलती की सजा किसी और को क्यों मिले। इस घटना के बाद खान सर का भी दर्द कुछ यूं छलका। ये गधई का एक ऐसा डिसीजन था ना, वो बौकी का पूरे इंडिया को तबाह कर दिया। जाहिर सी बात है समाज पर इस घटना का बहुत व्यापक असर पड़ रहा है। देश भर में ज्योति मौर्य और आलोक चर्चा का विषय तो है ही, साथ ही ये बहस भी छिड़ गई है कि शादी के बाद क्या लोग अपनी पत्नी को पढ़ाएंगे या नहीं। इस बीच बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसडीएम ज्योति ने इस बात को माना कि आलोक ने पढ़ाई में उनकी हेल्प की। हालांकि ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि वो टॉर्चर करेंगे। ज्योति ने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। रिश्ता कितना भी खराब हो जाए उसे लीगली सुलझाया जाता है, मगर आलोक ने 12 साल के रिश्ते को पब्लिकली तार तार कर दिया है। ये कहना था ज्योति का। तो वहीं ज्योति के पति ने आरोप लगाया है कि होमगार्ड में जिला कमांडेंट मनीष दुबे के साथ पत्नी का अफेयर चल रहा है। इतना ही नहीं, वो मनीष के साथ मिलकर उसकी हत्या करवा सकती है। हालांकि मामला फिलहाल काफी उलझा हुआ है और अब देखना होगा कि अदालत में फैसला किसके पक्ष में आता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।